आप अपने आस पास के जितने भी अलग अलग नेटवर्क के टावर ये कहीं ना कहीं किसी न किसी टेलीकॉम फॉर्म के द्वारा ही ऑपरेट किए जाते हैं आज वीडियो में दोस्तों हम डिस्कस कर रहे हैं दो इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट फर्म्स के बारे में जिसमें कि आप देखोगे कि इनके बीच में एक बहुत ही बड़ा डील हमें देखने को मिला है कैनेडा बेस्ड ग्रूकफील्ड कॉरपोरेशन और अमेरिकन बेस्ड ए इंडिया जिसमें कि आप देखोगे कि इन दोनों ही जो इन्वेस्टमेंट फर्म्स हैं इनके बीच में ये डील हमें देखने को मिली है साथ ही आप देखोगे कि ये जो दोनों ही जो इन्वेस्टमेंट फर्म्स हैं ये इंडिया में जो टेलीकॉम टावर्स हैं उसको ऑपरेट करवाते हैं दोस्तों आपको देखने को मिल रहा है किनेडा बेस्ड ये, ये, कि ये अब हंड्रेड परसेंट स्टेक के साथ ए इंडिया को एक्वायर करने वाली है दोस्तों अगर हम बात करें ए इंडिया के बारे में तो एटीसी इंडिया फिलहाल इंडिया में देखने को मिल रही है कि ये लॉस मेकिंग फर्म के तौर पे इसे देखा जा रहा है और ऐसा बातचीत जो है वो डिस्कशन एक साल पहले हमें देखने को मिल रहा था कि अमेरिकन बेस्ड एक प्राइवेट इक्विटी फर्म जिसका नाम है स्क्वाड कैपिटल ये क्या करने वाली थी एक्वायर करने वाली थी ए इंडिया को लेकिन फिलहाल हमें देखने को मिल रहा है कि अब वो जो प्राइवेट इक्विटी फर्म थी वो नहीं इसको एक्वायर करी रेदर देन कैनेडा बेस्ड ये जो ब्रूकफील्ड कॉर्पोरेशन है ये अब एक्वायर करने वाली है और ए इंडिया के ये एक्वायर करने वाली है हंड्रेड परसेंट स्टेक बहुत बड़ा ये जो न्यूज है दोस्तों हमें देखने को मिल रहा है साथ ही मैं आपको बता दूं दो कि दोनों ही ये जो इन्वेस्टमेंट फर्म्स हैं इनके बीच में ये जो डील है हमें देखने को मिल रहा है डॉलर टू पॉइंट फाइव बिलियन का आज की इस वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं इस पूरे डील के बारे में हम करेंगे चर्चा साथ ही हम देखेंगे कि ब्रूकफील्ड आखिरकार इंडिया में कितने जो टेलीकॉम टावर्स हैं ऑपरेट करती है ए इंडिया जो कि लॉस मेकिंग फिलहाल देखने को मिल रहे इसके द्वारा कितने जो टावर्स हैं टेलीकॉम टावर्स हमें ऑपरेट ये करती है देखने को मिल रहा है साथ ही हम बात करेंगे कि ब्रूकफील्ड एक्चुअली है क्या ए जो इंडिया है वो क्या है और पूरे एस्पेक्ट पे इस टॉपिक पे हम करने वाले हैं चर्चा चलिए वीडियो को बढ़ाते हैं आगे सबसे पहले दोस्तों हम बात कर लेते हैं ब्रूकफील्ड कॉरपोरेशन के बारे में कि आखिरकार इसका काम क्या है और ये है क्या ब्रूकफील्ड कॉरपोरेशन दोस्तों एक कैनेडियन बेस्ड मल्टीनेशनल कंपनी है जो कि वर्ल्ड की लार्जेस्ट ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट कंपनी के तौर पर देखा जाती है 2022 में दोस्तों आपको देखने को मिलेगा कि इसके द्वारा यूएस डॉलर 725 बिलियन का असेट मैनेजमेंट देखने को हमें मिला था वहीं पे अगर हम बात करें कि ये करती क्या है तो दोस्तों ये असेट्स को क्या करती है ओन करती है ऑपरेट करती है इन्वेस्ट करती है ठीक है आप देखोगे कि असेट्स में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा जो रियल एस्टेट हो गए इससे रिलेटेड रिन्यूएबल एनर्जी पावर इंफ्रास्ट्रक्चर और प्राइवेट इक्विटी तो जो ग्रुप फील्ड कॉरपोरेशन है आप देखोगे कि ये सारे चीजों को कि जो एसेट्स होते हैं इनको ओन करती है ऑपरेट करती है और इन्वेस्ट करती है इन एसेट्स में और अब हम बात कर लेते हैं एटीसी के बारे में एटीसी दोस्तों अमेरिकन टावर कॉरपोरेशन इसको कहते हैं जो कि आप देखोगे कि अमेरिका का एक रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के तौर पे इसे देखा जाता है जो कि ये ओन करती है ऑपरेट करती है वायरलेस एंड ब्रॉडकास्ट कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर सेवरल कंट्रीज में इसका हेडक्वार्टर आपको बोस्टन मैसेश्युएट्स यूएस में देखने को मिलेगा तो ऐसा माना जा रहा था कि जो ए है फिलहाल इंडिया में एक लॉस मेकिंग कंपनी के तौर पर देखा जा रहा है एक साल पहले डिस्कशन भी हुआ था कि ए को यूएस बेस्ड एक प्राइवेट इक्विटी फर्म है वो उसको एक्वायर करने वाली है लेकिन हमें फिलहाल देखने को मिल रहा है कि तथा पलट गया है और अब कनाडा बेस्ड ब्रूकफील्ड जो कॉरपोरेशन है ये अब हंड्रेड स्टेक के साथ ए कंपनी को एक्वायर कर रही है वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आप सबको बता दूं दो दोस्तों की अगर आप प्रयागराज से हैं तो आप सबके लिए वहाँ पे ऑफलाइन सेंटर अवेलेबल करा दिया गया है जिसमें कि आप अपने प्रिपरेशन कर सकते हैं यूपीएससी से एडमिशन वहाँ पे हो चुके हैं स्टार्ट यहाँ पे अलग अलग कोर्सेज आप देख रहे हो जिसमें कि आपको फ्लैट ऑफ लगा करके भी दोस्तों यहाँ पे प्राइस दिखाया जा रहा है अलोंग विद द ड्यूरेशन दूरेशन आपका ये जो कोर्स है उसका ड्यूरेशन कितना होने वाला है ठीक है यहाँ पे आपको डेट भी दे दिया गया है कि कब से हमारी बैच स्टार्ट हो रही है चार जनवरी से ऑफर ये जो देख रहे हो आप वैलिड है चौदह जनवरी तक नंबर दिया गया इस नंबर पे दोस्तों आप कॉल कर सकते हो कॉल करके कोई भी क्वेरीज को एड्रेस करवा सकते हो कॉल नहीं करना है घर बैठे बैठे आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप क्या कर सकते हो जो हमारे इस काउंस ये बॉक्स है इसमें एक काउंसलिंग फॉर्म का लिंक होगा उस लिंक को दोस्तों भर दीजिए आपकी सारी क्वेरीज जो है वो एड्रेस कर दी जाएंगी साथ ही इससे रिलेटेड कई सारे बेनिफिट जो हैं वो भी आपको देखने को मिलेंगे तो बेनिफिट्स जो हैं उसको जरूर से जरूर अवेल करवाइए और इन बेनिफिट्स को हम वीडियो के एंड में डिस्कस करेंगे अगर आपको फ्लैट फोर्टी परसेंट का ऑफ चाहिए तो आप मेरा कोड यूज कर सकते हो जिससे कि आपको फ्लैट का ऑफ पे मिल जाएगा ठीक है नाउ अगर आप न्यू दिल्ली से हैं तो हमारे मुखर्जी नगर अरोल बाग के जो ऑफलाइन सेंटर है वहां पे भी एडमिशन <coughs> ले सकते हो अलग अलग यहाँ पे आपको कोर्सेज दिखाए जा रहे हैं जिसमें कि फ्लैट थर्टी फाइव परसेंट का ऑफ लगा करके भी आपको प्राइस जो है यहाँ पे दिखाया जा रहा है अलोंग विद द ड्यूरेशन दोस्तों मुखर्जी नगर में हमारी क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं जनवरी तीस से ठीक है ऑफर वैलिड है चौदह जनवरी तक नंबर दिया गया इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हो और कॉल नहीं करना है तो दोस्तों काउंसलिंग फॉर्म है वो आप भर सकते हो करोल बाग में आप देख रहे हो अलग अलग यहाँ पे आपको कोर्सेज दिखाए जा रहे हैं अलोंग विद द प्राइस जो कि जिसमें थर्टी फाइव परसेंट का ऑफ लगा करके दिखाया जा रहा है ड्यूरेशन भी यहाँ पे दिखाई जा रहा है जो करोल बाग की जो हमारे ऑफलाइन सेंटर है वहाँ पे सत्ताईस जनवरी से क्लासेज हो रही हैं स्टार्ट ठीक है नंबर दिया गया है इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हो चलिए वापस से चलते हैं न्यूज पे दोस्तों यहाँ पे आपको एक आंकड़ा दिखाया जा रहा है जिसमें कि हम बात कर रहे हैं कि ए इंडिया इंडिया में कितने टेलीकॉम टावर्स को ऑपरेट करती है ब्रूकफील्ड फील्ड आखिरकार इंडिया में कितने टावर को ऑपरेट करती है और इन टोटल इंडिया में आपको कितने टावर जो है ऑपरेशन में फिलहाल देखने को मिल रहे हैं साथ ही ब्रूकफील्ड कितनी उसकी प्रेजेंस जो है वो हमें इंडिया में देखने को मिल रही है इसके बारे में भी यहाँ पे चर्चा की गई है जिसमें कि आप देखोगे कि 2007 में एटीसी इंडिया जो है वो इंडिया में आई थी और 2007 से ही आप देखोगे कि एटीसी इंडिया टेलीकॉम टावर्स को ऑपरेट कर रही है तो नियर अबाउट आप देखोगे सेवेंटी टावर्स जो है ए इंडिया के द्वारा इंडिया में ऑपरेट किए जा रहे हैं

टेलीकॉम टावर्स ऑपरेटर में से माना जाता है और एक तरीके से इसकी काफी ज्यादा डिमांड है डेटा एंड वाइडर यूज ऑफ फाइव जी के लिए इसमें कि आप देखोगे कि नेशन वाइड अगर इसका प्रेजेंस हम देखें तो काफी ज्यादा हमें देखने को मिलता है वहीं पे ब्रूकफील्ड का ये जो अभी देख रहे हो एक्वायर करने वाला है एटीसी इंडिया को ये थर्ड एक्विजिशन होने वाला है इंडिया में जिसमें कि आप देखोगे इंडियन टेलीकम्युनिकेशन स्पेस में इसका थर्ड एक्विजिशन होने वाला है। कॉरपोरेशन जब दोस्तों एटीसी इंडिया को फुल्ली एक्वायर कर लेगी तो उसके बाद एटीसी इंडिया में क्या क्या डेवलपमेंट हमें देखने को मिलने वाले हैं आइए इसके बारे में जान लेते एटीसी इंडिया दोस्तों फिर फुल इकोनॉमिक बेनिफिट जो है वो अपना रिटेन करने वाली है फुल इकोनॉमिक बेनिफिट क्यों बोल रहे हैं क्योंकि फिलहाल की अगर हम बात करें तो ए इंडिया एक लॉस मेकिंग कंपनी के तौर पर देखी जा रही है वहीं पे ये जो फुल इकोनॉमिक बेनिफिट है आप देखोगे ऑप्शनली कन्वर्टेड डिबेंचर्स के तौर पे हमें देखने को मिलने वाली है जो कि इशू की, की गई थी वोडाफोन आइडिया के द्वारा तो ऑप्शनली कन्वर्टेड डिबेंचर्स क्या होते हैं दोस्तों दोस्तों तो ये होते हैं डेट सिक्योरिटीज ठीक है तो ये डेट सिक्योरिटीज जो होते हैं ये बेनिफिट करते हैं इन्वेस्टर्स को ही जिसमें कि आप देखोगे कि जो डेट सिक्योरिटीज़ हैं ये अलाउ करता है ईश्वर जो होता है ठीक है तो ईश्वर क्या करता है एक तरीके से वो जो भी आ, अपने मान लीजिए कि उसको कैपिटल रेस करना है तो उसके लिए उसको एक तरीके से परमिशन मिल जाती है ठीक है तो वो अपनी कैपिटल इसमें रेस कर लेता है और उसके बाद रिटर्न में वो पे भी करता है इन्वेस्टर को जब तक उसकी मेचोरिटी जो है वो नहीं हो जाती है तब तक ठीक है तो टिल इट्स मेचोरिटी वो क्या करता है अपनी जो भी कैपिटल उसने रेस किया होता है ये इंटरेस्ट के साथ क्या करता है इन्वेस्टर को पे आउट कर देता है तो इससे हमें क्या देखने को मिलने वाला है कि इकोनॉमिक बेनिफिट जो है वो अब फिलहाल ए टी सी इंडिया को होने वाला है ऑप्शनली कन्वर्टेड डिबेंचर्स के तौर पे ठीक है और क्या होने वाला है आप देखोगे कि एंटाइटल्ड होगा एटीसी इंडिया की रिसीव करेगा फ्यूचर पेमेंट्स रिलेटेड टू एग्जिस्टिंग जो एटीसी इंडिया के रिसीवेबल्स है उसके तौर पे वहीं पे दोस्तों अगर हम बात करें तो ये जो इनका डील होने वाला है ये अगर सक्सेसफुली हो जाता है जो कि आप देखोगे कि रिसेंटली दोनों ही जो कंपनीज है उनके बीच में ये सक्सेसफुल डील हो ही जाएगा तो ये उनका दूसरा बिग बैंग ट्रांजेक्शन होने वाला है पहला दोस्तों 2019 में इन्होंने रिलायंस के जियो टेलीकॉम टावर एसेट्स जो हैं के बीच में डील हुई थी जिसमें कि आप देखोगे डॉलर थ्री बिलियन का डील ब्रुकफील्ड कॉरपोरेशन और रिलायंस के जियो टीम जो टावर टेलीकॉम टावर है उनके बीच में हमें देखने को मिला था तो आप देखोगे कि ब्रुकफील्ड जो है उसमें जो रिलायंस इंडस्ट्रीज है ये इनके क्लाइंट भी फिलहाल है ठीक है तो साथ ही दोस्तों अर्पित अग्रवाल के द्वारा बोला गया जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर है हेड ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया एंड मिडिल उनके द्वारा कुछ स्टेटमेंट दिए गए जो कि वो बात कर रहे हैं कि हम वी लुक फॉरवर्ड टू एक्सपैंड एंड एनहस अवर एग्जिस्टिंग टेलीकॉम टावर पोर्टफोलियो इन इंडिया ठीक है जिसमें कि वो अनेबल कर रहे हैं एक ब्रॉडर एरे ऑफ सोल्यूशन फॉर अवर कस्टमर्स अपने कस्टमर्स और पार्टनर्स के लिए थ्रू स्ट्रेटिजिक एक्विजिशन लाइक ए टी सी इंडिया स्ट्रेटिजिकली ए टी सी इंडिया को एक्वायर किया जा रहा है फेर मेन डीपली कमिटेड टू एम्पावरिंग डिजिटल कनेक्टिविटी डिजिटल कनेक्टिविटी को एम्पावर किया जा सके उसके लिए भी उनकी कमिटमेंट जो है वो देखने को मिल रही है एंड ट्रांसफॉर्मिंग द टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर लैंडस्केप अक्रॉस द रीजन ये जो उनका स्टेटमेंट है देखने को हमें मिल रहा है आप सबको मैं बेनिफिट्स बता देती हूँ कि आखिरकार आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलने वाले हैं जब आप हमारे ऑफलाइन सेंटर को ज्वाइन करते हैं तो फ्री डेमो क्लास जो है वो आपको मिलने वाली है ऑफलाइन करेंट अफेयर्स की क्लासेस वन ऑन वन मेंटोरशिप एडुकेटेड डाउट सॉल्विंग सेशन द फ्री मैगजीन लाइब्रेरी एंड वाईफाई भी आपको दी जाएगी जब आप हमारे ऑफलाइन सेंटर को ज्वाइन करेंगे तो दोस्तों अब आपको एक छोटी सी वीडियो दिखाई जा रही है वो क्लिप है जो कि हमारे ऑफलाइन सेंटर की क्लिप है जिसमें कि आपकी कैसी तैयारी की जाएगी वो यहाँ पे आपको देख करके समझ सकते हो ठीक है वीडियो को करते हैं यहाँ पे एंड मिलते हैं अपने अगले वीडियो में चिल्ड्रन एंड हैव अ गुड डे वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ कॉमेंट कर भी कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं चलिए मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में चिल्ड्रन बोबाई टेकर Academy.